हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई के क्लास 10th के मैथ्स के टर्म 2 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सैम्पल पेपर को अपलोड किया गया था साइट पे, तो बेसिक वालों को हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने भी बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6 9 12 15। यानी ये जो AP दी गई है उसके 25th टर्म और 15th टर्म का हमें डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले इस AP से हम A की वैल्यू लिख लेंगे। A की वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है जो कि यहाँ पे 6 है। उसके बाद D डिफरेंस आप चेक कर लीजिए, तो डिफरेंस 6 से 9, 9 से 12, यानी डिफरेंस यहाँ पे 3 3 की है। डिफरेंस निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हमें A25 और A15 के बीच की डिफरेंस निकालनी है। तो सबसे पहले दोनों टर्म को अलग अलग आप निकाल लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे A15 निकाला गया है, तो A15 की फॉर्मूला आपको पता है, A+14D होती है। तो A की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट किया गया है, और 14 × D तो 14 × 3 हो जाएगी, और ये 14 3 जा 42 होगी, और उसमें 6 ऐड करेंगे तो फाइनली 48 होगी। हमने A15 का वैल्यू निकाल लिया है। उसके बाद हम A25 की वैल्यू निकालेंगे, तो A25 की फॉर्मूला हो जाएगी A+24D, तो 24 × D की वैल्यू 3 हो जाएगी, A की वैल्यू 6। उसके बाद 24 3 जा 72, उसमें 6 ऐड करेंगे तो फाइनली 78 हो जाएगी। अब हमें इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना था, तो A25 माइनस A15, तो 25 की वैल्यू 78 आई थी और A15 की वैल्यू 48 आई थी। यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली 30 हमारा ये आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और ऐड किया गया था, और में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बोला गया था, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू द 5 टाइम्स द 5th टर्म देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। हमें यहाँ पे दी गई है किसी AP की 7th टर्म की 7 टाइम हमें करनी है, वो इक्वल होती है 5th टर्म 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म। यानी हम इसे इक्वल करेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, 7 टाइम्स है 7th टर्म की, A7 की, और वो इक्वल है 5 टाइम्स है A5 की। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे वही लिखा गया है। यहाँ पे ये 7 हो गई, और A7 की यहाँ पे फॉर्मूला पुट की गई है A+6D। उसी तरह से यहाँ 5 टाइम्स 5, और A5 की फॉर्मूला होती है A+4D। उसके बाद इसे सॉल्व किया गया है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, इधर से 7 है इधर से 5 है, ये दोनों घट के 2A हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 7 6 जा 42D, और यहाँ पे 5 4 जा 20D, तो 42 में 22, सॉरी हाँ 42 में यहाँ पे 20 आई थी, इसको घटा लेंगे तो ये 22D हो जाएगी। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ A+11D होगी, A=0। उसके बाद हमें पता है A+11D किसकी फॉर्मूला होती है, तो यही A+11D जो होती है वो हमारी 12th टर्म की फॉर्मूला होती है जो कि 0 होगी। तो यहाँ A12 जो है या T12 ये हमारी 0 होगी फाइनल, क्योंकि हमें 12th टर्म की वैल्यू निकालनी थी। चलिए इसे थोड़ा सा हम डिटेल कर देते हैं। इसमें कहा गया था, यहाँ से आपको समझ में नहीं आई होगी तो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से 2 को कॉमन लिया गया है, तो 2 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे A+11D बचेगी, सॉरी A+11D इक्वल टू इधर 0 हो जाएगी, और फाइनली ये 2 उधर भेजेंगे तो A+11D इक्वल टू 0/2 हो जाएगी, फाइनली ये 0। तो हमें पता है A+11D जो होती है ये A12 होती है जो कि 0 होगी, तो फाइनली ये 12th टर्म हमारा
जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर टू में हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सो डैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम एक्स इंटू फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो हैज टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स के लिए हमें इस एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन यहाँ सॉल्व करके लाई गई है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस नाइन, अच्छा यहाँ पे प्लस नाइन छूट गया है, इसमें प्लस नाइन भी होगी, यहाँ पे इस टर्म के बाद प्लस नाइन भी होगी जो कि यहाँ पे छूट चुका है क्योंकि इस क्वेश्चन में नाइन लिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमारी थी एम एक्स इंटू फाइव एक्स माइनस सिक्स, प्लस नाइन भी थी इसमें, इक्वल टू ज़ीरो। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी फाइव एम एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगी सिक्स एम एक्स और ये प्लस नाइन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन देख सकते हैं यहाँ पे लिखी गई थी ऊपर में, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखी गई है फाइव एम एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एम एक्स प्लस नाइन इक्वल टू ज़ीरो, ये इसी तरह से लाई गई थी। अब यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू आप लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू 5m हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस 6m हो जाएगी और सी की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वल रूट्स पे हमें बनानी थी, तो इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू जो होती है, इक्वल रूट्स के लिए डी इक्वल टू ज़ीरो होती है। डी यानी कि डी की वैल्यू निकाली जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू यहाँ देख सकते हैं ज़ीरो लेके सॉल्व की गई है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 6m थी, तो माइनस 6m की स्क्वायर हो जाएगी माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 5m और सी की वैल्यू 9 थी। अब इसे सॉल्व किया गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 6m की स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 36m स्क्वायर आएगी, तो 36 इसमें भी होगी और इसमें भी 9 फोर जा 36 आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 36 यहाँ एम स्क्वायर आई थी, सॉरी यहाँ पे 36 एम स्क्वायर आई थी फर्स्ट में, और सेकंड में भी 36 इंटू 5 एम आ रही है। तो 36 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे एम बचेगी फर्स्ट टर्म में और दूसरे टर्म में 5, और एम कॉमन थी तो सिर्फ 5 बचेगी। तो यहाँ पे कॉमन ले लिया गया और फाइनली एक जो वैल्यू आएगी वो 36m इक्वल टू ज़ीरो आएगी, और एक जो आएगी माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो से एक रूट्स मिलेगी और एक 36m इक्वल टू ज़ीरो से मिलेगी। तो 36m इक्वल टू ज़ीरो से जो रूट मिलेगी वो तो ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे m की वैल्यू एक ज़ीरो होगी और यहाँ m माइनस 5 से जो रूट हमें मिलेगी वो प्लस 5 मिलेगी। तो यहाँ पे टू रूट्स आ रही है, एक ज़ीरो एक 5। लेकिन ये क्वेश्चन तो यहाँ पे जीरो को रिजेक्ट किया गया है, सो एम इक्वल टू यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो फाइनली एम की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, क्यों यहाँ पे जीरो को रिजेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर एम की वैल्यू अगर ज़ीरो कर दें तो फिर ये जो टर्म है ये सारा टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए एम की वैल्यू जीरो को रिजेक्ट करके एम की वैल्यू 5 हमारी फाइनल आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दी गई है फ्रॉम अ पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल सी ओ आर, यानी सेंटर ओ है, रेडियस आर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सर्कल की सेंटर ओ है और रेडियस यहाँ ये आर की वैल्यू दी गई है। इसमें दो टेंजेंट खींचे गए हैं पॉइंट पी से, एक पी ए और एक पी बी। इफ ओ पी इक्वल टू 2r, ओ पी की वैल्यू दी गई है, ये ओ पी जो है ओ पी की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं 2r है, 2r है। देन फाइंड एंगल ए पी बी, हमें ए पी बी एंगल निकालनी है, एंगल ए पी बी ये एंगल हमें निकालनी है और उसके साथ व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ए पी बी, और ये जो ए पी बी ये जो ट्रायंगल बन रही है
ये किस टाइप की ट्रायंगल होगी ये भी हमें बतानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एंगल ए पी बी निकालनी है, तो ये एंगल निकालनी है ए पी बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू दी गई है, एक ये वैल्यू दी गई है, एक ये वैल्यू दी गई है। तो हमें पता है हमें ये पूरी एंगल निकालनी है, तो हम इस एंगल को लेके चलते हैं। ये मान लेते हैं ये एंगल हमारी थीटा है, ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ऊपर वाले एंगल को। ये एंगल ऊपर वाले को हमने थीटा मान लिया है, तो थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो पी की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी एच हो जाएगी। तो हम पी बाई एच का रेशियो लेते हैं, तो पी बाई एच की रेशियो में ओ ए बाई ओ पी की रेशियो बनेगी। तो नीचे देख सकते हैं लिया गया है ओ ए बाई ओ पी की रेशियो, ओ ए बाई ओ पी की रेशियो लेंगे तो ये पी बाई एच की रेशियो बनेगी, तो ये साइन थीटा में जाएगी। अब ओ ए और ओ पी की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लीजिए, तो ओ ए और ओ पी की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, ओ ए की वैल्यू आर और ओ पी की वैल्यू टू आर पुट करेंगे तो आर बाई टू आर होके ये आर से आर कैंसिल होके फाइनली हमें जो है 1/2 मिलेगी। तो 1/2 साइन में कितने डिग्री पर होती है, तो साइन में 30 डिग्री पर होती है, तो थीटा हमारी 30 डिग्री हो जाएगी, यानी ये एंगल 30 हो जाएगी। और हमें एंगल पूरी निकालनी थी, तो हमें पता है कि ये पूरी एंगल जो होगी इस एंगल की ये डबल होगी, ये थीटा है तो ये पूरी एंगल डबल हो जाएगी, 2 थीटा हो जाएगी। तो 30 × 2 होके 60 डिग्री। तो एक हमारा आंसर आ चुका है, ये पूरी एंगल ए पी बी निकालनी थी वो निकल चुकी है। उसके बाद हमें बतानी थी कि ये ट्रायंगल ए पी बी ये कैसी ट्रायंगल है, ये भी बतानी थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एंगल फाइंड करते हैं। एक एंगल इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, तो यहाँ पे एक एंगल हमें 60 डिग्री मिल चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे टेंजेंट दी गई है, तो हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती है दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पे पी ए और पी बी आपस में इक्वल होगी। और साथ ही साथ हमने ये भी थ्योरम पढ़ा था कि इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं, तो इसकी अपोजिट एंगल ये होगी, इसकी अपोजिट एंगल ये, यानी एंगल ए और यहाँ पे जो एंगल बी बन रही है ये दोनों आपस में इक्वल होगी। और जब ये अकेला एंगल 60 डिग्री थी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये दोनों मिला के 120 होंगे और हाफ होके 60 60 डिग्री, दोनों ही एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ से पता चल चुकी है कि यहाँ पे तीनों एंगल जो है 60 60 है। तो हम कह सकते हैं कि जिस ट्रायंगल की तीनों एंगल 60 60 60 हो, यानी तीनों एंगल इक्वल हो, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 cm² इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 6 cm देन फाइंड इट्स हाइट। हमें जो है एक राइट सर्कुलर कोन की कर्व सरफेस एरिया दी गई है। कर्व सरफेस एरिया कोन का आपको पता है पाई आर एल होती है, तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 12320। यहाँ से हमें इसकी हाइट निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो कोन में आपको पता है राइट सर्कुलर जो कोन होती है उसमें ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है और ये एल होती है स्लांट हाइट। तो यहाँ पे हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम एल की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे पाई आर एल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया दी गई है, तो पाई आर एल इक्वल टू ये लेके चलेंगे और यहाँ से वैल्यू पुट करके एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7, उसके बाद आर की वैल्यू 56 इंटू एल इक्वल टू दिस आएगी। अब फाइनली आप इसे सॉल्व कीजिएगा, तो एल की वैल्यू आपको 70 मिलेगी। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये एल इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो एल इक्वल टू 12320 और डिवाइडेड बाई ये जो 56 है वो डिवाइड में हो जाएगी, और उसके बाद ये 22 भी डिवाइड में होगी और ये 7 मल्टीप्लाई में चली जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप कट कर लीजिए, 22 से इसे कट कीजिए, तो 22 से ये 1 2 3 है, तो 22 से
पांच बार में 22 से एक कटेगी 110, तो यहाँ पे बचेंगे 13, तो फिर 6 बार में कट जाएगी, फिर 0, फिर इससे कट जाएगी ये 10 टाइम्स में, फाइनली 70 आ जाएगी आपकी। उसके बाद आपको जो है h निकालनी है, तो h की फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से h की फॉर्मूला बना है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और तो एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर को घटा दिया गया है, तो एल की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 70, तो 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर दोनों को जब आप घटाएंगे तो फाइनल आंसर आपको हाइट की वैल्यू 42 ये आपकी आंसर होगी, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दी गई है, मिसेस गर रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल, सी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एज 45। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की जो है मार्क्स को ऑब्टेंड किया गया है, और साथ ही साथ इन सारे मार्क्स का जो है मॉडल मार्क्स निकाला गया है, तो जो कि 45 आई है, और यहाँ पे वाइल प्रिंटिंग द डेटा ब्लैंक वॉज लेफ्ट, और जब ये प्रिंट किया गया है इस डेटा को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वैल्यू यहाँ पे मिस हो चुकी है, तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हमें इसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालनी है। हमारे पास मॉडल मास्क दी गई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू हमें दी गई है उसे नोट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मॉडल मास्क की वैल्यू दी गई थी, मॉडल मास्क किसने दी गई थी 45 थी, हाँ 45 थी मॉडल मास, तो हमें पता है कि अगर हमें मोड पता हो, मॉडल पता हो, तो मोड जो होती है, तो मोड यहाँ पे 45 है, तो 45 किस इंटरवल के अंदर आएगी, तो 45 इस इंटरवल के अंदर आएगी, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, क्योंकि 45 है मोड, तो मोड 45 इस 40 to 60 के बीच में आएगी, तो ये 40 to 60 हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है, तो ये हमारी F1 हो जाएगी, और उससे पहले जो होती है वो F0 हो जाएगी, और उसके बाद वाली F2 हो जाएगी। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू आई है, नीचे भी आप देख सकते हैं वही है, और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो L की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे L की वैल्यू आप देख सकते हैं, और इनका जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो H की वैल्यू हो जाती है, तो देख सकते हैं यहाँ सारे का डिफरेंस 20-20 का है, तो H की वैल्यू 20 हो जाएगी। F1 मैंने यहाँ पे, ये F1 मिसिंग फ्रिक्वेंसी है, इसे हमें निकालनी है, F0 के वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया है, F0 यहाँ पे देख सकते हैं 10 है, और F2 यहाँ पे 6 है, और अब यहाँ पे फॉर्मूला में आप पुट कर लीजिए, तो मोड इक्वल टू हमें पता है, मोड इक्वल टू होती है L प्लस यहाँ पे H ली गई है H इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होती है, आपको तो फॉर्मूला याद ही होगी, और मोड हमें 45 दी गई है, उसे लेकर चलना है। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इस 40 को अगर हम इधर लाएंगे, तो ये 40 इधर आके माइनस होगी 45 के साथ, और फाइनली हमें 5 मिलेंगे, और 5 के साथ ये जो ये 20 इधर मल्टीप्लाई में ये डिवाइड होके इधर 20 डिवाइड में आएगी, और फाइनली ये 1/4 हो जाएगी, तो देख सकते हैं इधर 1/4 हो चुकी है, और यहाँ पे हमें F1 माइनस 10 बचेगी, और नीचे 2F1, और ये 10 और 6 को ऐड करेंगे तो ये -16 हो जाएगी। उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगी, इस साइड 1 से मल्टीप्लाई होके तो वो सेम वैल्यू इधर आएगी, और ये 4 से मल्टीप्लाई होके ये 4F1 माइनस 4 × 10 = 40 हो जाएगी। उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो फाइनली F की वैल्यू जो है सॉल्व होके 12 आएगी, ये आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें दिया गया है, इफ रितु वेयर यंगर बाय 5 ईयर्स देन व्हाट सी रियली इज, मतलब अभी जो उसकी उम्र है उससे 5 साल पहले वाली जो उम्र थी, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, 5 साल जो पहली वाली उम्र थी उसका स्क्वायर जब करते हैं, हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, उसके प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स से वो 11 ज़्यादा है, व्हाट इज़ हर प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे मान लिया है कि रितु की एज एक्स है, तो 5 साल पहले की प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 साल पहले की एज एक्स माइनस 5 हो जाएगी, और उसका यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए कहा गया था, तो उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, तो इक्वल है 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज एक्स माना है तो 5 टाइम्स 5x, और 11 मोर देन है तो +11 के इक्वल हो जाएगी। फिर इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कर इसे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व कीजिए, तो एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पे 2ab, ये सारा सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया गया है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 15x+14 इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे इसे फैक्टराइज कर लिया गया है, तो 14 को किस तरह से हम तोड़ सकते हैं, तो 14 को 14 × 1 के फैक्टर में तोड़ सकते हैं, इससे ही 15 आ जाएगी ऐड करके, और 15 हमें जो है माइनस में लानी है, तो इन दोनों की साइन जो है नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे दोनों की साइन नेगेटिव ली गई है, -14 और -1 दो फैक्टर आएंगे, एक x-14 x-1, तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी x=1 और एक आएगी x=14, तो ये जो x=1 है इसे नेगलेक्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रितु की एज 1 ईयर्स नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे हमें 5 साल छोटी भी करनी है, तो ये एज नेगेटिव हो जाएगी 5 साल छोटी करने के बाद, तो एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 14 सही होगी, तो उसकी प्रेजेंट एज 14 आंसर होगी हमारी। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, सॉल्व फॉर एक्स, 9x²-6px+p²-q²=0, इसे आपको सॉल्व करनी है, तो नीचे सॉल्व किया गया है आप देख सकते हैं, चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया गया है, उसके बाद यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड की गई है, और इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स को निकाला गया है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट ए होती है, एक्स की कोएफिशिएंट यहाँ पे बी होती है जो कि -6p हो जाएगी, और ये सारा टर्म जो है सी की वैल्यू हो जाएगी, तो इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। अब डी की वैल्यू फाइंड किया गया है, तो डी इक्वल टू क्या होती है, b²-4ac, तो b की वैल्यू यहाँ पे -6p पुट की गई है स्क्वायर, फिर -4ac, 4 × a की वैल्यू 9, और c की वैल्यू ये टोटल थी। अब इसे सॉल्व करने के बाद अब देखेंगे कि ये 36p² आएगी पॉजिटिव में, और ये इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये भी आएगी 36p² नेगेटिव में, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कट जाएगी, और यहाँ से जो ये फिर से एक पॉजिटिव 36q² आएगी, ये हमारे पास बचेगी, तो फाइनली टोटली सॉल्व करके लिखा गया है, तो फाइनली ये हमारे पास आएगी डी की वैल्यू, अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट इक्वल टू क्या होती है, तो एक्स इक्वल टू होती है -b±√d/2a, इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए तो माइनस, और बी की वैल्यू फिर से माइनस, तो ये प्लस में 6p हो जाएगी, फिर +-√d, तो ये d है, d की वैल्यू का स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो 6 हो जाएगी और q हो जाएगी, तो यहाँ पे 6q देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे एक प्लस में सॉल्व होगी, एक माइनस में होगी, तो 6 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ये 6 कॉमन हो जाएगी, 6 से 18 कट जाएगी 3 टाइम्स में, तो फाइनली ये एक होगी और एक ये हमारी रूट्स होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दी गई है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड इंटरप्रेट द मीडियन। यहाँ पे एक लॉन्ग जंप कंपटीशन हुई थी, यहाँ पे डिस्टेंस दी गई है, कितने कितने डिस्टेंस पे कितने स्टूडेंट्स ने जंप किया है, हमें इसकी मीडियन डिस्टेंस निकालनी है, तो मीडियन के लिए हमें पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी,
तो आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो सबसे पहले ये दोनों डेटा को यहाँ पे लिख ली गई है सेम टू सेम, उसके बाद यहाँ पे एक नई डेटा कलेक्ट की गई है जिसे हम सीएफ कहते हैं, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये किस तरह से फाइंड की जाती है, तो ये जो है फर्स्ट में 40 होगी, अगले में 40 और 80 ये दोनों को ऐड कर लिया जाएगा तो ये 120 होगी, फिर अगले में 120 में 160 ऐड कर लेंगे तो ये 182 हो जाएगी, फिर 182 में 38 ऐड कर लेंगे तो ये 220 हो जाएगी, फिर 220 में 30 ऐड कर लेंगे तो 250, ये हमारी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगी यहाँ पे। अब हमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें एन बाई टू की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन बाई टू की वैल्यू निकाली गई है, एन टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट होती है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी इसे ऐड करने के बाद जो लास्ट में आती है वही एन की वैल्यू होती है। तो एन बाई टू करने पर 250 बाई टू यानी 125 आएगी। तो 125 आने के बाद इसके नियरेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू लेते हैं तो 125 से बड़ी होनी चाहिए और साथ ही साथ नियरेस्ट भी होनी चाहिए जो कि ये 182 होगी, इससे ग्रेटेस्ट भी है और नियरेस्ट भी है। तो इसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल होती है वो हमारी जो है मीडियन क्लास होती है। तो मीडियन क्लास यहाँ पे 2-3 हो गई, देख सकते हैं मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है 2, ये हमारी एल की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद डिफरेंस यहाँ का आप देख सकते हैं सारे इंटरवल का डिफरेंस 1 है तो ये हमारी एच की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी एफ की वैल्यू होती है तो ये हमारी एफ हो जाएगी। और मीडियन क्लास से ठीक पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये 120, ये हमारी सी एफ की वैल्यू हो जाएगी आप देख सकते हैं, और एफ की वैल्यू 62। अब आप मीडियन की फॉर्मूला लिख के इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए और मीडियन डिस्टेंस निकालनी थी वो आप इसे निकाल लीजिए। तो मीडियन की फॉर्मूला होती है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच होती है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लिया गया है तो एल की वैल्यू यहाँ पे 2 थी लोअर लिमिट, प्लस एन बाई टू की वैल्यू 125 थी तो 125, और सी एफ की वैल्यू थी 120 तो 125 माइनस 120 करेंगे तो ये 5 होगी। तो देख सकते हैं 5, और एफ की वैल्यू यहाँ पे 62 थी तो ये 62 इंटू, और एच की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 ली गई है। तो फाइनली ये 2 प्लस 5 बाई 62 हो जाएगी। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 2 के नीचे 1 ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो ये फाइनली जो है 62 इंटू 2, तो 62 इंटू 2 ये हो जाएगी 124, और उसमें 5 ऐड करेंगे 129/62। और फाइनली इसे आप फ्रैक्शनल पार्ट में भी लिख सकते हैं, डेसिमल पार्ट में भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों ही आपकी फाइनल मीडियन डिस्टेंस होगी 2.08। तो इस मीडियन डिस्टेंस से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि मीडियन बीच की वैल्यू होती है, मीडियन जो होती है वो बीच की वैल्यू होती है, यानी इससे पता चलता है कि 50% स्टूडेंट इतना डिस्टेंस से नीचे जंप किया है और 50% जो स्टूडेंट थे इतना डिस्टेंस से ज़्यादा जंप किया है, इससे यही हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दी गई है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन दी गई है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की नहीं गई है, बस सिर्फ इसके स्टेप्स को लिख दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, तो चलिए सबसे पहले हमें जो है 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचना है। तो आप एक सर्कल खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इस तरह से आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का। उसके बाद हमें जो है 60 डिग्री के एंगल बनानी है, तो हमें पता है अब इसका कहीं भी आप सेंटर ले लीजिएगा, सेंटर होगा बीच का पॉइंट। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का हमने रेडियस खींचा था, तो इस रेडियस पे हमें
120 डिग्री की एंगल बनानी है। कितनी डिग्री की एंगल बनानी है? ये एंगल 120 डिग्री होनी चाहिए क्योंकि हमें टेंजेंट के बीच का एंगल 60 डिग्री बनानी है। तो हमें जो है सेंटर पर का एंगल 120 लेना होगा क्योंकि दोनों एंगल का जो सम होता है वो आपस में सप्लीमेंट्री होती है, 180 डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद हमें पता है यहाँ से टेंजेंट, इस पॉइंट से पॉइंट ए इसको मान लेते हैं और इसे पॉइंट बी, तो दोनों ही पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो अब यहाँ पे आप प्रोटेक्टर से ये 120 डिग्री हमने प्रोटेक्टर से बनाना है हमें। उसके बाद पॉइंट ए पर भी हमें प्रोटेक्टर या कंपास जिससे भी आप जो है बनाना है बना सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री बनाना होगा हमें क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन होती है रेडियस और टेंजेंट। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ से एक लाइन लेंगे। फिर सिमिलरली यहाँ पॉइंट बी से भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ होगी 90 डिग्री, और दोनों टेंजेंट आपस में जहाँ पे भी कट करेगी वहाँ पे हमें 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगी। तो यहाँ पे पी ए और पी बी जो होगी वो आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दी गई है द डिस्ट्रीब्यूशन गिवेन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। हमें मीन निकालनी है, ये जो गिवेन डेटा है इसकी हमें मीन निकालनी है। तो मीन आप जो है सिंपल डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं जिसमें होती है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले आपको इसका टेबल बनाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको दी गई है उसे आप सेम टू सेम, ये जो दो दी गई है एक रन और एक नंबर ऑफ बैट्समैन दी गई है, दोनों को आप सेम टू सेम यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद थर्ड टेबल में आपको क्या लिखनी है, तो थर्ड में आपको एक्स आई की वैल्यू निकालनी है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली 20 होती है। नहीं तो आप शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों लिमिट के बीच की जो पॉइंट होगी वही हमारी क्लास मार्क होती है। तो 40 और 80 के बीच में क्या होगी, तो 40 और 80 के बीच में 60 होगी, और बाकी 20-20 की, सॉरी 40-40 की डिफरेंस है, सब में 40-40 की डिफरेंस है। तो आप 40-40 ऐड करते चले जाइए, 60 + 40 = 100, 100 + 40 = 140 और 140 + 40 = 180 हो जाएगी। उसके बाद एफ आई एक्स आई ये क्या होती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ बैट्समैन ये जो है एफ आई की वैल्यू है और ये हमने एक्स आई की वैल्यू निकाला है। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करनी है जो कि एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगी। तो 12 × 20 ये 240 हो जाएगी, 20 × 60 ये 1200 हो जाएगी, 35 × 100 3500, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसे मल्टीप्लाई कीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद ये सारे वैल्यू को ऐड करेंगे, एफ आई एक्स आई के ये सारे वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, तो ऐड करने से ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी गई ऐड करके ये हमारी सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है, और सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो ये हमारी सिग्मा एफ आई की वैल्यू है। बस इन्हीं दोनों को मीन में सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई होगी, दोनों को डिवाइड कर देना है, फाइनली इतना रन्स ये हमारी मीन हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है क्वेश्चन नंबर 10 में टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। एक समतल ज़मीन पे जो है दो पोल जो कि अलग अलग हाइट की है वो एक दूसरे से 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कि दो पोल्स यहाँ पे दी गई है, दोनों की डिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं 20 मीटर है उसके बाद, और दोनों की हाइट अलग अलग है, बड़ी छोटी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल, यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल से फर्स्ट पोल की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द
फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री, यहाँ से इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सेकंड पोल की वो 30 डिग्री है, तो हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू पोल्स, और रूट थ्री की वैल्यू हमें 1.73 लेनी है, और हमें डिफरेंस निकालनी है दोनों पोल के हाइट्स की डिफरेंस निकालनी है, यानी पी क्यू और आर आर एस, इन दोनों की डिफरेंस निकालनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है क्या करनी है, तो सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल में काम किया है, ट्रायंगल पी क्यू एस में, पी क्यू एस इस ट्रायंगल में काम करेंगे, तो इसमें हम टैन की रेशियो बनाते हैं, टैन 60 डिग्री, तो ये होगी पी बाई बी यानी पी क्यू बाई क्यू एस, तो ये हो जाएगी वाई बाई 20, वाई बाई 20 आप देख सकते हैं, और वाई की वैल्यू आप सॉल्व कीजिएगा तो टैन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री, तो 20√3 आ जाएगी वाई की वैल्यू। उसी तरह से आप सेकेंड ट्राइंगल में काम कीजिए आर क्यू आर एस में, आर क्यू एस में, तो ये टैन 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, तो इसमें फिर से इसकी रेशियो और 20 की रेशियो बनेगी एक्स बाई 20, ये एक्स बाई 20 बनेगी, आप देख सकते हैं एक्स बाई 20 बनी है, और टैन 30 की वैल्यू 1√3 होती है, तो फाइनली आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्स की वैल्यू 20√3 आ जाएगी। अब जो है हमने एक्स और वाई दोनों को निकाल लिया था, तो हमें दोनों के बीच की डिफरेंस निकालनी थी वाई माइनस एक्स, ये वाई थी ये एक्स थी, तो दोनों का डिफरेंस वाई माइनस एक्स, तो वाई की भी वैल्यू हमने निकाल रखा है ये, और एक्स की वैल्यू ये, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पर किया गया है, नीचे 1 लेके एलसीएम लिया गया है √3, और फाइनली सॉल्व हो के ये 40√3 आई है। किस तरह से आई है चलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इस तरह से एलसीएम लिया जाएगा √3, तो ये 1 से √3 टाइम्स में डिवाइड होगी, और √3 और 20√3 मल्टीप्लाई होके 20 इंटू 3 हो जाएगी, √3 इंटू √3, तो ये 3 हो जाएगी माइनस, और यहाँ पे 20 ही रहेगी, तो ये 60 में 20 माइनस करेंगे तो ये 40√3 आएगी। अब इसका हम रेशनलाइज करेंगे इसे हम, तो √3 से मल्टीप्लाई कर रेशनलाइज किया गया है, तो ऊपर 40√3 हो जाएगी और नीचे √3 इंटू √3 3 मिलेगी, और इसे डिवाइड करके और √3 की वैल्यू वहाँ पे 1.73 हमें पुट करनी थी, उसे पुट करके फाइनली हमें 23.06 मीटर, ये हमारी दोनों पोल की बीच की डिफरेंस होगी। इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ा गया था, चलिए उसे पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें, जिसमें कहा गया है अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, एक लड़का जो है ग्राउंड पे खड़ा है जिसकी लंबाई 1.7 मीटर है लड़के की, 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, और ये एक बिल्डिंग से 50 मीटर दूर खड़ा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई, इसकी आंखों से बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है, रूट की वैल्यू फिर से हमें √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लड़के की हाइट दी गई है, लड़के की हाइट 1.7 ली गई है, और ये बिल्डिंग से लड़का जो है 50 मीटर दूर खड़ा था, और इसके आंखों से टावर के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का जो है एंगल जो है 60 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये 1.7 है, तो ये डिस्टेंस भी 1.7 हो जाएगी QR। उसके बाद हम ट्रायंगल पी ए क्यू में काम करेंगे, पी ए क्यू में हो सकती है, पी क्यू ए यहाँ पे होना चाहिए था, पी क्यू आर लिख दिया गया है, पी क्यू ए होना चाहिए था, यहाँ ए में काम किया गया है, तो इसमें हमें किसकी रेशियो बनानी है, एक पी क्यू की और एक क्यू ए की, तो पी क्यू और क्यू ए की वैल्यू 50 पुट करेंगे, तो फाइनली पी क्यू और टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 50√3 पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी,
तो पी क्यू की वैल्यू हमने फाइनली फाइंड कर लिया है 50√3, और नीचे की वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू 1.7 मीटर थी। तो 1.7 और 50√3 इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा, 1.7 और 50 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, देख सकते हैं 50√3 और 1.7 को ऐड कर लिया गया है, और यहाँ पे 50√3 थी तो √3 की वैल्यू 1.73 पुट करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 से और फाइनली 1.7 के साथ ऐड करेंगे, तो 88.2 मीटर ये हमारी फाइनल आंसर होगी। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दी गई है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इंटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, हमें सिलेंडर के हाइट भी निकालनी है, एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो यहाँ पे एक सेल है, स्फेरिकल सेल है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ स्फेरिकल सेल, तो स्फेरिकल सेल की इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई दी गई है, कैपिटल आर एक बड़ी आर की वैल्यू दी गई है, उसे मेल्ट करके उसे सिलेंडर एक सॉलिड सिलेंडर में डाला जाता है जिसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाइट क्या होगी और साथ ही साथ इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, हमें ये वैल्यू निकालनी है। जब हम किसी एक मटेरियल को दूसरी मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं तो उनका वॉल्यूम जो है सेम रहता है, जैसे कि हम यहाँ पे स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बना रहे हैं, तो दोनों में यूज होने वाले मटेरियल की जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी, यानी वॉल्यूम उनका जो है सेम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सेल जो है इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, तो वॉल्यूम ऑफ सेल ये स्फीयर है, तो स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब होती है स्फीयर की। तो यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक कैपिटल आर हो जाएगी, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही फॉर्मूला यूज किया गया, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू 5 लेनी है और स्मॉल आर की वैल्यू 3 लेनी है, इनका वॉल्यूम इनके वॉल्यूम के बराबर होगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट किया गया है, तो यहाँ पे पुट कर लिया गया है, 5 की क्यूब को 3 के क्यूब से घटा लेनी है, 125 होगी, इसमें से 27 घटा लेंगे, और ये फाइनली सॉल्व करके पाई से पाई दोनों तरफ है तो दोनों तरफ पाई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद चलिए इसे सॉल्व कर ही देते हैं, तो पाई कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इधर 4/3 होगी, और ये 125 में अगर हम 27 माइनस कर लें तो ये फाइनली आएगी 89, यानी 98 आएगी, तो इनटू में 98 इधर आएगी इक्वल टू इधर हो जाएगी 49 इनटू एच, तो ये यहाँ से 2 times में कटेगी, 49 से ये जो है 2 बार में कट जाएगी और फाइनली 8/3 आएगी, तो देख सकते हैं 8/3 आ चुकी है, इसे यहाँ पे फ्रैक्शन में तोड़ लिया गया है, 2 whole 2/3 सेंटीमीटर हो जाएगी एच की वैल्यू। उसके बाद हमें इसकी टोटल सरफेस एरिया भी निकालनी थी, तो टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर की होती है वो 2πr(r+h) होती है, इसमें वैल्यू को पुट कर लिया गया है अच्छे से, और फाइनली सॉल्व करके आप इसे निकाल लीजिएगा, ये कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दी गई है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर, हमें जो है टेंजेंट के द्वारा जो एंगल बनती है सर्कल के सेंटर पे और एक्सटर्नल पॉइंट पे, उन दोनों एंगल को हमें प्रूव करनी है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल होती है
यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये दोनों एंगल मिलके जो है, सॉरी ये फिगर दूसरे क्वेश्चन की है, लेकिन इसी से हम समझते हैं कि ये सेंटर पर जो एंगल बन रही है और ये एंगल, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कंस्ट्रक्शन में दोनों का जो सम है सप्लीमेंट्री हो रहा था, तो हमें यही इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। ये एंगल यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल पी पे, और ये जो ओ पर एंगल बन रही है, इसे ही हमें दोनों को 180 डिग्री प्रूव करनी है सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप ए ओ बी पी, ये जो है क्वाड्रिलेटरल बन रही है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमें पता है 360 डिग्री होती है, तो ये यहाँ पे लिख ली गई है चारों एंगल की सम 360 डिग्री। उसके बाद ये रेडियस और ये टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसी तरह से ये रेडियस और ये टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो दोनों एंगल को 90-90 लिख लिया गया है। उसके बाद बाकी के ये दो एंगल ऐसे ही लिख दी गई है इक्वल टू 360, तो ये 90-90 180 होगी, और 180 को फिर उधर भेज दिया जाएगा, तो 180 360 में सब्ट्रैक्ट होके ये दोनों एंगल की जो वैल्यू आएगी वो 180 डिग्री होगी। देख सकते हैं ये दोनों एंगल की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, और फाइनली हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है। क्वेश्चन हम इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ा गया है, चलिए उसे पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू, देख सकते हैं टी पी एंड टी क्यू दो टेंजेंट दी गई है सर्कल पे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी से। प्रूव डैट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू टू एंगल ओ पी क्यू, टी पी क्यू एंगल को हमें प्रूव करनी है पी टी क्यू, ये जो एंगल बन रही है पी टी क्यू, ये एंगल जो है इस एंगल की डबल होती है ये एंगल, टू एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये एंगल यहाँ पे जो बन रही है ये एंगल की डबल होती है, इस एंगल की ये एंगल जो है डबल होती है, हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, तो हमने जो है पी टी क्यू इस एंगल को हमने थीटा मान लिया है, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बनेगी पी टी क्यू या टी पी क्यू जो भी है, ये ट्रायंगल जो बनेगी वो आइसोसेलिस ट्रायंगल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो इक्वल टेंजेंट होते हैं दो साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलिस ट्रायंगल होगी, तो आइसोसेलिस ट्रायंगल होगी, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, एक पी पे बन रही है एक क्यू पे बन रही है, और ये दोनों एंगल जो है हाफ एंगल 180 माइनस थीटा होंगे, क्योंकि इस एंगल को हमने थीटा माना था, इस एंगल को हमने थीटा माना था, तो 180 में थीटा घटाएंगे तो इन दोनों का सम होगा, और इन दोनों का सम का ये दोनों आपस में इक्वल एंगल है तो हाफ हो जाएंगे, तो इसे हमने लिख लिया है। उसके बाद 1/2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगी, फिर 1/2 को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थीटा बाई टू हो जाएगी, तो ये दोनों ही एंगल की वैल्यू 90 माइनस थीटा बाई टू हो गई है। उसके बाद हमें पता है एंगल ओ पी टी, ये जो एंगल है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो ये 90 डिग्री होगी, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद क्या किया गया है, तो ये एंगल जो होगी एंगल ओ पी क्यू, थोड़ा सा फिगर क्लियर करते हैं, एंगल ओ पी क्यू, तो ये एंगल जो होगी ओ पी क्यू कहाँ पे बन रही है, ओ पी क्यू यानी ये छोटी वाली एंगल जिसका हमें डबल करना है ओ पी क्यू, ये एंगल जो है, और ये एंगल कैसे निकलेगी, तो बड़ी एंगल ओ पी टी में इस बड़ी एंगल में जो 90 डिग्री बन रही थी उस एंगल में ये अंदर वाले एंगल को घटाने से बनेगी, टी पी क्यू को घटाने से बनेगी,
तो ये 90 डिग्री हो गई, और जो अंदर वाली एंगल हमने लाया था वो ये एंगल थी, इसे 90 में घटा लेंगे और फाइनली ये घट के 90 90 कैंसिल हो जाएगी, फाइनली थीटा बाई टू आएगी। तो यहाँ पे एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू आ चुकी है थीटा बाई टू, थीटा की वैल्यू हमने एंगल पी टी क्यू माना था, तो थीटा के जगह पे एंगल पी टी क्यू रखेंगे तो ये 1 बाई, ये एंगल पी टी क्यू बाई टू हो जाएगी, यानी 1/2 एंगल पी टी क्यू हो जाएगी। थीटा के जगह पे पुट किया गया है एंगल पी टी क्यू को, क्योंकि थीटा को हमने एंगल पी टी क्यू को माना था। और फाइनली इस टू को इधर भेजेंगे तो ये 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू हो जाएगी एंगल पी टी क्यू। फाइनली यही हमें प्रूव करना था कि ये एंगल जो है इस एंगल की डबल होती है, इसे हमें प्रूव करना था। तो अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है क्वेश्चन नंबर 13 में, ट्रिगोनोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेविगेशन, वेदर इट इज़ बाय लैंड सी और एयर। जीपीएस या रेडियो नेविगेशन सिस्टम हेल्प्स टू लोकेट आर पोजीशन ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। यानी ट्रिगोनोमेट्री जो है हमें जो है जीपीएस के थ्रू किसी भी जगह किसी भी पोजीशन की लोकेशन फाइंड करने में सैटेलाइट के मदद से मदद करती है, हेल्प करती है। अ गार्ड स्टेशन्ड एट द टॉप ऑफ अ 240 मीटर टावर ऑब्जर्व्ड एंड अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट। एक गार्ड जो है एक स्टेशन जो कि टावर स्टेशन है, जिस पे एक गार्ड जो है 240 मीटर टावर पे एक गार्ड है, उस गार्ड ने जो है देखा कि एक अनआइडेंटिफाइड बिना जाना पहचाना एक बोट जो है उसकी तरफ आ रही है। आ क्लिनोमीटर और इनक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स और स्लोप टिल्ट। क्लिनोमीटर जो होती है वो बेसिकली जो है एंगल मेजरमेंट में यूज होती है, स्लोप या एंगल मेजरमेंट में यूज किया जाता है। तो द गार्ड यूज द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। तो उसने जब उस मीटर से देखा तो उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन को जो है 30 डिग्री पाया। तो उसके बाद आगे के क्वेश्चन, ये सारा डिस्क्रिप्शन था, आगे का क्वेश्चन हमें यहाँ से देख सकते हैं। ये एक तरह का ये स्टेशन है जहाँ से निगरानी की जाती है, ये स्टेशन है, इसके ऊपर में गार्ड बैठा हुआ रहता है और इसकी हाइट जो है 240 मीटर है, हमें याद रखनी है। आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेक अ लेवल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। इसका एक फिगर बनाइए और साथ ही साथ डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए बोट की फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। टावर के फुट से इस बोट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी ये भी आप फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर बनी हुई है, ये हमारा जो है पावर स्टेशन है 240 मीटर, और यहाँ पे बोट है पी पे, पॉइंट पी पे, इसकी डिस्टेंस को यहाँ पे एक्स ली गई है, यही डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। और यहाँ से जब बोट को देखा गया है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 30 डिग्री बन रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगी क्योंकि यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींची गई है, तो ये अल्टरनेट पेयर आपस में इक्वल होती है, 30 डिग्री है। तो हमें निकालनी थी ये डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो एक्स डिस्टेंस के लिए थीटा यहाँ है, तो ये पी बाई बी की रेशियो हम बनाएंगे जो कि टेन में जाएगी, टेन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगी 240 बाई एक्स, और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/√3 करेंगे तो एक्स की वैल्यू फाइनली 240√3 मीटर हो जाएगी। तो ये बोट की डिस्टेंस होगी, पहली आंसर हमारी आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व
सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में हमें दिया गया है, आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व डैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाई 240 × √3 − 1 मीटर। 10 मिनट के बाद जब गार्ड ने फिर से उस बोट को देखा तो उसने पाया कि अब उसकी डिस्टेंस जो है 240 × √3 − 1 डिस्टेंस कम हो चुकी है, यानी वो बोट काफ़ी पास आ चुकी थी। ही इमिडिएटली रेज्ड द अलार्म, उसने तुरंत अलार्म बजा दिया। वाट वॉज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, ऑब्जर्वेशन टावर से अब जो नई एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी ये जो बोट थी यहाँ पे पॉइंट पी पे थी वो बोट अब यहाँ पे आ चुकी थी जिसकी डिस्टेंस जो है ये 240 × √3 − 1 इतनी डिस्टेंस ये कम हो चुकी थी, तो इसकी वैल्यू जो थी इसकी वैल्यू इस डिस्टेंस की वैल्यू ये वही वैल्यू थी 240 × √3 − 1, इतनी डिस्टेंस कम हो चुकी थी। तो हमें ये एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालनी है कितनी होगी, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इस एंगल के इक्वल होगी, तो ये हमारी 240 है और इस एंगल को हमने जो है थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को हम लोग जैसे यहाँ पे मान लिया गया है एंगल सेकंड है, तो सेकंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल को क्या है थीटा ली गई है। तो और अब हमें ये डिस्टेंस भी निकाल लेनी है, तो इस डिस्टेंस को चलिए निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, ये इस डिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो 240 थी, ये कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है हमने x की वैल्यू निकाला था, ये x में ये वैल्यू घटा लेंगे हम लोग 240 × √3 − 1, ये वैल्यू घटा लेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू 240 ये मल्टीप्लाई होकर 240 √3 बनेगी, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी और फिर ये 241 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 240 बनेगी, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और फाइनली हमें 240 ही मिलेगी, तो ये वैल्यू जो है 240 हो जाएगी। तो हमें पता है कि बेस और परपेंडिकुलर, ये जो बेस है परपेंडिकुलर ये दोनों 240 मीटर आ चुकी है, तो जब भी बेस और परपेंडिकुलर आपस में इक्वल हो यानी एंगल 45 डिग्री होती है क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 आ जाती है, आप नीचे देख सकते हैं नीचे इसी से निकाली गई है, यहाँ पे देखिए टैन थीटा की रेशियो ली गई थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमने थीटा लिया था, तो टैन थीटा की रेशियो उधर से भी 240 थी और इसकी भी वैल्यू घटा के हमने 240 लाई थी, तो फाइनली ये 1 होगी और 1 टैन में कितनी डिग्री पर होती है, तो 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन अब जो है 30 से 45 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दी गई है, पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ाने की सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है पुशअप्स, दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं इन सब में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। While the push-ups primarily targets the muscles of the chest, arms and shoulders, support required from other muscles help in toning up the whole body. इससे जो है सारे body की exercise हो जाती है, chest, arms, shoulders सारे एक ही साथ ये इस exercise से जो है हमारी हो जाती है। तो बेसिकली नीचे से क्वेश्चन है, नीचे पढ़ते हैं नीचे क्या लिखी गई है, नितेश वांट टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप्स चैलेंज, नितेश जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर, उसने जो है 1 घंटे में 3000 पुशअप्स लगा सकता है वह, बट ही वांट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 आवर, वो इतना
प्रैक्टिस किया है 3000 का, लेकिन वो 1 घंटे में अब इतना पुशअप्स लगाना चाहता है 900 और ज़्यादा करना चाहता है, फॉर विच ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली, और इसने इसकी प्रैक्टिस भी की है। विद ईच डे ऑफ पार्टी प्रैक्टिस ही इज़ एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर, और हर एक दिन प्रैक्टिस करता है और हर एक दिन वो अपने पुशअप्स में 5 पुशअप्स ऐड करता चला जाता है। जैसे शुरू में 3000 किया तो उसमें अगले दिन 5 और पुशअप्स बढ़ाएंगे, 3005, फिर 3010, इसी तरह से एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डे। इससे हर एक दिन एक एक बढ़ते जाएगा और हर एक दिन के बढ़ने से उसके पाँच जो है पुशअप्स बढ़ते चले जाएंगे। इफ़ ऑन द फर्स्ट डे प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप्स एंड दी कंटिन्यू टू प्रैक्टिस रेगुलरली, पहले दिन से वो 3000 से स्टार्ट करता है और 5 बढ़ाते बढ़ाते वो रेगुलर जो है करता चला जाता है, तो हमें बताना है कि उसके टारगेट जो हैं 3900 वो कब तक अचीव हो जाएंगे। तो फॉर माइन एपी, इसका एपी हमें बनाना है, तो एपी हमें पता चल गई है 3000 से स्टार्ट हो रही है, 5 5 पुशअप उसके बढ़ते जा रहे हैं, तो 3005, 3010, 3015, इस तरह से ये उसका लास्ट टारगेट है। तो हमें बताना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज एकम्प्लिश्ड, उसको जो है अपने टारगेट पर पहुंचने में कितने दिन लगेंगे, यानी एन की वैल्यू हमें निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं उतने ही दिन उसको लगेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन की वैल्यू फाइंड की गई है, एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। ए एन लास्ट टर्म इसे कहा जाता है, ए को फर्स्ट टर्म कहा जाता है, और एन माइनस वन इंटू डी डिफरेंस यहाँ 5 5 की है, तो यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को एन की वैल्यू, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू को पुट कर दिया गया है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फिर इसे आगे सॉल्व किया गया है, तो 3900 में अगर हम ये जो 3000 है ये 3000 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगी तो ये फाइनली 900 बचेगी इधर, और ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 5n और 5 1 से, तो ये 5n-5 होगी। उसके बाद इस 5 को इधर भेजा जाएगा तो -5 इधर आके +5 हो जाएगी, 905, फिर 5 से इसे कट कर लेंगे तो फाइनली एन की वैल्यू 181 आएगी, यानी उसको 181 डेज लगेंगे अपने टारगेट तक पहुंचने में। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो होंगे n-1 होगी, यानी कि 180 डेज लगेगी, यानी कि एक इसमें जो है एक्स्ट्रा डे ऐड हो गया है, क्योंकि उसने जो है 3000 फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था, तो एक दिन हमें कम करनी होगी अपने टारगेट में, वो लास्ट दिन यानी 180 डेज में वो अपने टारगेट को पूरा कर लेगा। यहाँ पे लिखा गया है मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रैक्टिस इक्वल टू हो जाएगी n-1, एक कम करना होगा हमें, 180 डेज में उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें दी गई है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। तो सारे का हमें सम निकालना है, वो जितना शुरू से फर्स्ट में 3000, फिर अगले दिन 3005, तो इन सारे जो एपी बन रहे इन सारे को अगर हम ऐड करेंगे तो यही हमारा जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल अचीव्ड। जब तक वो अचीव नहीं कर लेता है तब तक जितने पुशअप्स उसने मारे हैं उन सब का जो है हमें सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला आपको पता है, SN इक्वल टू होती है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म भी हमें पता है 3000, लास्ट टर्म भी हमें पता है 3900, उसे लिख लेंगे, इनकी वैल्यू हमने लाई थी 181, ये इनकी वैल्यू थी, और मिनिमम नंबर ऑफ जो डेज लगेंगे वो एक कम हो जाएंगे और एन की वैल्यू हमारी 181 ही रहेगी, तो 181/2 इंटू दिस हो जाएगी। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली ये
6,24,450 पुशअप्स होंगे, ये फाइनल मेरा आंसर होगा। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।